हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपकी अपनी चैनल का होस्ट सुमित। स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मूवीज खजाना पर। आज का रिव्यू हम करने वाले हैं मूवी सेल्फी का, जो आज सुबह ही थिएटर्स में रिलीज हुई है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। ये फिल्म मलयालम इंडस्ट्री की एक कॉपी है जिसका नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। इस फिल्म में हमारा जो लीड हीरो है अक्षय कुमार, जिन्होंने रोल प्ले किया है विजय कुमार का, जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, एक सक्सेसफुल सुपरस्टार है, जो भोपाल में अपनी अगली मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और इस शूटिंग को करने के लिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। जबकि उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है जो कि एक्सपायर हो गया है, तो उनको अगली मूवी शूटिंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत रहती है। तब वो जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने या फिर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तभी उनका सामना होता है हमारे दूसरे लीड कैरेक्टर इमरान हाशमी, जिन्होंने प्ले किया है ओम प्रकाश अग्रवाल का कैरेक्टर, जो कि एक आरटीओ इंस्पेक्टर है। मतलब वो इंस्पेक्ट करते हैं कि इनको लाइसेंस देना चाहिए या नहीं। तो अक्षय कुमार के जो बहुत बड़े सुपर फैन है, अक्षय कुमार खुद एक सुपर स्टार है, उनके बहुत बड़े फैन है, सुपर फैन बोल सकते हैं, इमरान हाशमी और उसका बेटा। तो इमरान हाशमी को ऐसा लगता है कि मुझे शायद इनका लाइसेंस दिलवाने के बदले मुझे मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी मिल जाएगी। और यही पूरी जद्दोजहद है मूवी। एक सेल्फी के लिए इमरान हाशमी को कितना तकलीफ सहना पड़ता है, कितना दर्द सहना पड़ता है, और अक्षय कुमार को अपने एक लाइसेंस के लिए किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं फिल्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो इस फिल्म की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इस फिल्म का ह्यूमर, कॉमेडी, फन मोड और डायलॉग्स। अगर आप इस मूवी को एक इंसान समझे तो इस इंसान का ह्यूमर बहुत अच्छा है, उसकी कॉमेडी स्किल्स बहुत अच्छी है, डायलॉग्स डिलीवरी बहुत अच्छी है। तो ये मूवी एक्चुअली में आपको गुड फिल्म करवाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ स्पेशली बहुत अच्छे से डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको डिलीवर किया है, और फिल्म की कॉमेडी ठीक ठाक है। मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक है, ह्यूमर भी अच्छा है, और स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स रखे हैं इस डायरेक्टर ने अपनी मूवी में फिल्म को हंसाने के लिए। इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से है फिल्म की स्टोरी, कहानी। जैसे आपको बताया मैंने कि फिल्म की स्टोरी एक सुपरस्टार और एक सुपरस्टार फैन के बीच में है, लेकिन कैसे ये सुपरस्टार और सुपरस्टार फैन की स्टोरी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है और किन किन कन्फ्यूजन की वजह से इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है, ये फिल्म की एक यूनिक स्टोरी है। आप उसको फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फैमिली के साथ देखने लायक फिल्म नहीं आई है बॉलीवुड में। तो ये फिल्म की स्टोरी इतनी यूनिक है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी इसको देख सकते हो थिएटर्स में। फिल्म की स्टोरी कई बार बीच बीच में अचानक से कोई ना कोई ट्विस्ट आ जाता है, जब भी आपको लगता है कि यार ये मूवी अपना प्लॉट छोड़ रही है, आपको डिसकंटिन्यू करने लगती है, तभी अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है स्टोरी में और आपका मूड जो है वो फिर से बना देती है, आपको फिर से फिल्म में जगा देती है कि भाई उठ जाओ, मैं आ गया, एक नया ट्विस्ट आ गया। तो इसी वजह से फिल्म की स्टोरी यूनिक है, अच्छी है, ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। तो ये एक फिल्म की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे हिसाब से। बात करें इस फिल्म की वीकनेसेस की, तो मुझे कहीं ना कहीं फिल्म जो है वो बीच बीच में अपना प्लॉट छोड़ती नजर आ रही थी, लेकिन जैसा मैंने पॉजिटिव में बताया, स्ट्रेंथ में बताया कि अचानक से कुछ ना कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आ जाता था, लेकिन फिर भी कई बार मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इसको छोड़ देता हूँ, अपना मोबाइल में हाथ में ले लेता हूँ। तो ऐसी ऐसी वाइब्स जहाँ पे आपको आती है तो आपको ऐसा लगता है कि फिल्म जो है वो अपना प्लॉट छोड़ रही है, तो ये कसूर कहीं ना कहीं एडिटर का हो सकता है या फिर स्क्रीन प्ले राइटर का हो सकता है। क्योंकि आपको जब बार बार ऐसा लगे कि चलो ठीक है अभी मुझे पता है इसमें क्या होने वाला है, तब आप अपना मोबाइल ले लेते हो और आपको पता नहीं चलता कि क्या हो गया, लेकिन तभी से एक ट्विस्ट भी आ जाता है। तो आप इसको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही बोल सकते हो इस मूवी की, कि एक तो आपको ये बार बार मूवी छोड़ने पर मजबूर कर देती है, लेकिन अचानक से कोई ट्विस्ट भी आ जाता है, तो या तो आप मूवी को छोड़ने पर मजबूर ना करें या फिर आप कोई ट्विस्ट ना लें, ताकि हम एक मिक्सअप रिव्यू ना बोल सके इस फिल्म को लेके। लेकिन ये फिल्म एक मिक्सअप है, आप उसको स्ट्रेंथ भी गिन सकते हैं, वीकनेस भी गिन सकते हैं, लेकिन ये फिल्म एक एंटरटेनर तो है, क्योंकि इसमें कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, इमोशनल्स है, बहुत ही अच्छे से टच हुए हैं। इमरान हाशमी क्या काम किया है बंदे ने, बहुत ही बढ़िया काम किया इमरान हाशमी ने, साथ में अक्षय कुमार ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, आप इसको जरूर से जरूर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थिएटर्स में देखने जा सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखना, क्योंकि इतनी भी अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन हाँ आप इससे एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर देख सकते हैं, फैमिली के साथ आप उसको एक संडे अपना एंजॉय कर सकते हैं।
बात करें इस मूवी की रिव्यू की, तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। 6.5 इसलिए क्योंकि मूवीज के अंदर एक्टर्स की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन में कुछ कमी है, एडिटर की जो काम है उसमें कुछ कमी है, स्क्रीन प्ले या जिसने किया है उसमें भी कुछ कमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूवी जो है वो अपना प्लॉट छोड़ रही है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू मूवी सेल्फी का। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाइए थिएटर में इस मूवी को देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।